शादी में पहुंच चुके हैं और दुल्हन के रूम में ही हम लोग सीधा एंट्री किए थे और बड़ी क्यूट लग रही थी मेरी सिस्टर। तो फोटोशूट चल रहा था, जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबके सब फोटो क्लिक कराने में लगे हुए थे। हमारा नंबर आया ही नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो हमने बाद में ननी के साथ में बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए। तो मैं, मम्मी और दीदी, मैंने सोचा हम तीनों साथ में खड़े हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना व्लॉग ये शूट कर लूँ। तो यहाँ पर मैं जो है अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, दीदी जो है मेरे साथ ही थी, हाय बोल रही है। तो चलो चलते हैं अब खाना खाने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना चलो हम खाना खा लेते हैं। तो डेकोरेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की डेकोरेशन थी, बड़ी अच्छी थी और अच्छी लग रही थी डेकोरेशन। तो मम्मी जो है ना थोड़ा सा मेरे से गुस्सा थी, मैंने मम्मी को बोला कि मेरे इधर देखो, पर वो देख ही नहीं रही थी। और यहाँ पर हम खाना खाने पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी पूरी, मतलब मेरे भाई और ये मेरा जो भाई ग्रीन कुर्ते में है, ये मेरा भाई है शिवम, ये बहुत लॉन्ग टाइम बाद इससे मेरी मीट हुई है। और इसको लग रहा था कि मैं फोटोशूट कर रही हूँ लेकिन मतलब लोग बना रही थी, तो उसको मैंने बाद में बताया। तो हमने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद में कुछ इस तरीके की डेकोरेशन हो रखी थी जहाँ पर स्टेज लगी हुई थी, तो हम लोग वहाँ पर बैठ गए थे। और एक ख़ास बात और आप लोगों को बताती हूँ मैं, यहाँ पर जो है बारात बाद में चढ़ी थी और पहले मिलनी हुई थी। मिलनी होने के बाद में लड़का अंदर आ गया था, एंट्री कर गया था और फिर दोनों का साथ में खाना खाया, फिर उसके बाद देन बारात चढ़ी थी। ये लोग पंजाबी थे। तो यहाँ पर जो है अभी जो है मिलनी का फंक्शन चल रहा है। ये देखो यहाँ पर ना लेडीज़ और जेंट्स मिलकर पंजाबी थे, वो लोग सरदार पंजाबी के सिंह थे, तो उन लोगों की मिलनी करने के लिए, वेलकम करने के लिए खड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा कि हम भी चले, तो हमारे जो जीजू हैं दीदी के हस्बैंड, तो वो लोग हमें ले गए थे। और यहाँ मैं अपना व्लॉग बना रही थी, मैंने बोला कि भाई देखेगा नहीं, और फिर उसने देख लिया और स्माइल कर दी। तो वो बहुत कम मेरे व्लॉग में आता है तो इसलिए। और फिर हमने किया आरसी का एक वीडियो शूट जो बहुत प्रिंसेस लग रही थी। उसने कहा मौसी मेरा एक स्लो मोशन में वीडियो बनाओ, तो मैंने उसका एक स्लो मोशन में वीडियो बनाया। और एक खास इसके साथ एक पोपट हो गया, पोपट ये हो गया, ये जो इसने हाथ में हैंडबैग ले रखा है, पर्स ले रखा है, ये मैंने इसको भी दो दिन पहले ही दिलाया था मार्केट से, और इसने वो शादी में खो दिया। और देखो कितनी तेज़ स्पीड से भागते भाई। फिर मैंने अपना भी एक फ़ोटोशूट करा लिया स्लो मोशन में। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ। और कुछ डिफरेंट लुक मैंने किया था, साड़ी पहनी थी, कुछ नॉर्मल मेकअप किया था, बट मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो यहाँ पर दूल्हे का वेलकम हो गया है, मिलनी हो गई है और यहाँ पर दूल्हा एंट्री कर चुका है। ये दूल्हे का भाई था ब्लैक पग में, और यहाँ पे अब जो है दुल्हन को भी ले जाया जा रहा है दूल्हे के पास में। वो दोनों साथ में खाना खाएंगे, उसके बाद में बारात चढ़ेगी, तो अब ये खाना खाएंगे और साथ में कुछ फ़ोटो वगैरह ये शूट कराएंगे, देन उसके बाद में बारात चढ़ेगी, बारात चढ़ने का सिस्टम होगा। तो यहाँ पर जो है ये जा रही है दूल्हे के पास में, ये तो पब्लिक ही जैसा वीडियो बना रही है। तो जी हम भी बैठे हुए थे और लड़की जा रही दूल्हे के पास में, तो जी यहाँ पर आ गई थी बारात। और अब के जस्ट मिलने के बाद आधा घंटे बाद ही बारात चढ़ने का सिस्टम हो गया था, फिर बारात आ गई थी। तो हम लोगों को जीजू बुला के ले गए थे, तो हम भी जा रहे थे बारात देखने के लिए। और मैं अपना ब्लॉग भी बना रही थी, तो पीछे पीछे भाई आ रहा था, अक्षी आ रही थी, सोमू आ रही थी। तो यहाँ पर कुछ ये बारात चढ़ रही थी और बरोठी का सिस्टम और रिबन कट करने वाला सिस्टम जो चल रहा था। आवाज़ को मैंने इसलिए म्यूट कर दिया है क्योंकि मैं, मेरी जो व्लॉग में ना कॉपीराइट स्ट्रिक आ जाएगा, तो इसलिए मैंने जो है वॉल्यूम जो है वो डाउन कर दिया है और मैं नहीं दिखा सकती, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ में मस्ती कर रही थी, यहाँ पे सब लोग हमें देख रहे थे कि हम डांस कर रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मेरे जीजू हैं जो मुझे पानी का लोटा दे रहे, कह रहे लो पानी पी लो। और ये भी बहुत ना बहुत मज़ाक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इनसे भी मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिली हूँ। और यहाँ पर ये जो मेरी कज़न सिस्टर है, तो रिबन कट करने के लिए खड़ी है, बारात द्वार पर आ चुकी है, तो चलो इन्जॉय करते हैं।
यहाँ पर ना दीदी मतलब परोठी करने के लिए खड़ी हुई थी, तो दीदी बोल रही थी कि हमारा भी व्लॉग, हमें भी मतलब अपने व्लॉग में ले ले। तो मैं दीदी और मौसी भी पीछे से आ गई थी, ये देखो डांस कर रही थी, और दीदी भी और मेरी दीदी भी खड़ी हुई थी। तो हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया। इधर साइड में मम्मी खड़ी थी, मम्मी मेरे से थोड़ा सा ना गुस्सा थी, तो मेरा दिन कुछ इतना खास नहीं गया, बट कोई ना, कभी कभी चलता है। और यहाँ पर जो है दूल्हे राजा का वेलकम करने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पर वेलकम द्वार पर दूल्हा दूल्हे के मतलब जो हमारे छोटे बड़े वाले जीजू हैं, वो उनका साला यानी मेरा भाई और जो ननी का हस्बैंड था, वो तीनों के तीनों डांस कर रहे थे बरूठी पर, और बड़े ही इंजॉय तरीके से डांस कर रहे थे। लड़के को मुझे लगता है डांस करना नहीं आता, पर ऐसा लग रहा था, फिर भी वो उसने मतलब सब लोगों के लिए, सबकी खुशी के लिए डांस कर दिया। तो सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। और ये देखो जीजू ने उसको मतलब जीजू को गोद में उठा लिया ऊपर इस तरीके से, और डांस करा रहे थे। और यहाँ पर दोबारा से दुल्हन की हो रही है एंट्री, और साथ में उसकी भाभियाँ वगैरह, उसकी सिस्टर्स वगैरह चल रही हैं। और दुल्हन की एंट्री दोबारा हुई थी क्योंकि पहले मिलनी हुई थी, तो साथ में फ़ोटोशूट वगैरह, खाना वगैरह खाया था, देन उसके बाद में अब अपने स्टेज पे आने के लिए एंट्री कर रही और अपने भाई के साथ में। और सच बताऊँ ना, नन्नी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा सुंदर लग सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे तो, और लुक भी और लहंगा भी इसका बहुत अच्छा। तो जी यहाँ पर कर रही है हमारी दुल्हन रानी डांस अपने दूल्हे के पास में जाने के लिए, उसको मनाने के लिए कर रही है वो डांस। स्टेज पे डांस करते हुए वो पहुँची थी और बड़ी क्यूट लग रही थी डांस करते हुए, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो इस तरीके से उसने डांस किया और स्टेज तक पहुँची।
जी वो फाइनली स्टेज पर पहुंच गई और दूल्हे राजा जो है अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े हुए इस तरीके से अपनी दुल्हन को बुला रहे हैं। फिर नन्नी जो है स्टेज पर चढ़ गई थी और एक दूसरे के हाथ में हाथ था, म्यूज़िक चल रहा था, बट मैंने म्यूज़िक जो है म्यूट कर दिया वरना कॉपीराइट स्ट्रक आ जाएगा। इसलिए जो है अभी हमारे दूल्हे राजा जी हमारी बहन को ले जाएंगे स्टेज पे, देन उसके बाद में जयमाला और उसके बाद में फेरे। तो इसके जो फेरे थे आई थिंक जयमाला के बाद में इसके फेरे गुरुद्वारे में होने वाले थे, क्योंकि ये लोग सिंह पंजाबी हैं और इसलिए इसके फेरे जो है मंडप में नहीं होने वाले थे और गुरुद्वारे में ही होने वाले थे। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर पंजाबी में एक रस्म होती है कि यहाँ पर जो स्टेज पे लड़की को जब बैठाया जाता है, जब तक लड़की जो है खुद रस्म के पैसे नहीं देती, लड़के के भाई बहन वगैरह को पैसे देती है स्टेज पे दूल्हे के पास में बैठने के लिए। इनके में रस्म होती होगी सिंह पंजाबी है, तो इसीलिए नन्नी यहाँ पर खड़ी हुई थी। फिर उसने उसके अपने देवर को पैसे वगैरह दिए और फिर वो स्टेज पर बैठी थी, देन उसके बाद इनकी जयमाला हुई थी। तो यहाँ पर जो है स्टेज पर वो बैठ चुकी थी और देन फिर उसकी जयमाला हुई थी और जयमाला जो है बहुत अच्छे से हो रही थी। मतलब ये जो धुएँ वाला मटकी वाला जो इन्होंने रखा था ये बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर नन्नी की जयमाला का फंक्शन चल रहा था और हम सब लोग, मैं पास में ही खड़ी थी, पता है ये जो धुआँ सा निकल रहा था ना सीधा नाक में और गले में लग रहा था। और यहाँ पर अब जो है इसकी जयमाला हो चुकी है और जयमाला का जो फंक्शन, मतलब जयमाला की जो स्टेज थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर ये चार चार पांच पांच अनार चल रहे थे, बड़े अच्छे से लग रहे थे। देन बस जयमाला तक ही हम लोग यहाँ पर रुके थे, और क्योंकि इसके जो फेरे थे जयमाला होने के बाद में, मंडप में फेरे नहीं होने वाले थे क्योंकि ये पंजाबी थे, इनके गुरुद्वारे में फेरे होने वाले थे। बस जयमाला होने के बाद ये डायरेक्ट फिर गुरुद्वारे में जाती, लेकिन हम गुरुद्वारे गए नहीं क्योंकि दीदी के बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। देन उसके बाद हम सीधा घर के लिए निकल गए थे अपने। तो हे फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी अपने घर पर। सुबह आई थी मैं 5 बजे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो कपड़े चेंज वेंज करके मैं जो है सो गई थी। और अभी मैं अपना व्लॉग जो है एंड कर रही थी क्योंकि मैंने रात अपना व्लॉग एंड नहीं किया था, और मैं छत पे थी, छत पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और मैं अपना व्लॉग जो है एंड करने आई थी। तो आई होप आप सब लोगों को जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी उसको लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और मिलेंगे फिर से हम अपने नए व्लॉग के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। तो छत पे ना बहुत ज़्यादा अच्छी वाली हवा चल रही थी, देन मैं फिर नीचे चली गई थी। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ में। बाय बाय, लव यू।